अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मथुरा जा रहे हैं हम, वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं और काफी अच्छा लग रहा है हम लोगों को। तो बाकी सूरज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आप बताओ आप कैसा लग रहा है? हाय रवीना, स्थिति की जा रही है, अभी रात के 10 बजे हुए हैं। अरे भोपाल के भाव हटा ले वो। तो अभी हम जा रहे हैं वृंदावन मथुरा, फिर उसके बाद जन्मभूमि, यहाँ पर जिस जी ने जन्म लिया था। तो हम कोशिश करेंगे हम मंदिर तक जाएं, देखते हैं। बाकी आप ब्लॉग में बने रहना, अनीता कहना चाहती हूँ। अभी तो हमें कितने किलोमीटर पैदल चलना है, पूरा दिन हम घूम रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, बहुत थक गए इस खराब ने। इसके बाद फिर तो करीब क्या हो गया है, तेल नहीं लगा है भाई साहब, तो इस कैमरे के आगे झाड़ हो गए। ये और सुबह दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं, उसकी कान खींचता है आज सुबह उसकी कान खींचता है। बाकी मिलते गए, बाय। ये हमारे विश्वासी जी जो मजाक कर रही है, वो यही डगा दिया। सही है, सही है, इसका ना वो हो गया। ये पता है भैया, वो आगे छोड़ो, आगे आगे नहीं सुना, जा जा तो रहे आगे तक। सब सना कैसा फील हो रहा है? ऐसी बात नहीं, आप तो गरीब मार कर रहे हो। ये सारे लोग जाने तैयार नहीं, पीछे गाइस आगे तक रिक्शा जा नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा मना कर रहे हैं क्योंकि हर जगह पे बैरियर लगे हुए हैं। देखते हैं हम आगे तक पहुंच नहीं पाएंगे, अगले बार भी क्या हुआ, हमें बहुत जगह पैदल चलना पड़ा क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, जिसकी वजह से हंसना कितने किलोमीटर पैदल चलना है पता नहीं है। बाकी देखो दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, ब्लॉग में बने रहना। और यहाँ का जो व्यू है काफ़ी बहुत ही अच्छा लग रहा है, बाकी देखते हैं कितने इसी बहाने सना का वेट और ज़्यादा लूज ना हो जाए, उससे चलते हैं। गाइस देखो आ गए, हम जा ही रहे हैं, लगता है इस बार भी हमें पैदल चलना पड़ेगा बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वो लग रखे, क्या लग रखे सुमित? बैरियर लग रखे हैं पुलिस वालों की, तो इसलिए थोड़े थोड़े रास्तों में वो छोड़ रहे थे। हमने सोचा अगर वो ऐसे धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे तो हम जा नहीं पाएंगे, तो हमने डिसाइड किया हम खुद पैदल चले, इसी बहाने हमारे परिक्रमा भी हो जाएगा और हम घूम भी लेंगे। तो अभी हम ऐसे ही जा रहे हैं, बाकी आप ब्लॉग में रहो, ब्लॉग में बने रहो, ये कहना चाहती हूँ। ये लोग गिरे फिर और बाकी चलते हैं तेरा। हो जाएंगे यार मेरे, आ जाओ आगे देखो। ये देखो
बैंडिंग लगे हुए हैं, तब जाके यहाँ पहुँचे। चार पांच टुकड़ों में धीरे धीरे आप यहाँ पहुँच पाओगे। इस बार कुछ ज़्यादा है, पिछली बार कम थे, इस बार ज़्यादा कर रखे। मुझे बहुत मजा आ रहा है। प्रशासन इतना सख्त है कि विकलांग है, आप देख सकते हो, दिव्यांग है, उसके हाथ में लगा हुआ था चोट, चोट का हाथ कटा हुआ था, प्रेस कर रहा पुलिस वाले से, उसकी भी मजबूरी है पुलिस वाले, क्या करें, देखते हैं छोटा है। देखिए गाइस कितना प्यारा नजारा है। गाइस अभी हम घूम रहे हैं और यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, मैं ये नहीं बस हम चलते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा थक चुके हैं। बाकी कैसा लग रहा तुम्हें, कैसा फील हो रहा है? सुबह से हम मतलब घूम रहे हैं, रात हो चुकी है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है। ज़्यादा गर्मी से बेहाल हो रहा है। चलो 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 तो गाइस अभी हम प्रेम मंदिर आ चुके हैं, कल हम घूम नहीं पाए थे तो अब मॉर्निंग में हम आए घूमने के लिए, देख सकते हैं थोड़ा सामने प्रेम मंदिर। ये रमेश, ये रही मैं, और गाइस मैंने सूट चेंज नहीं किया बिकॉज मैं एक ही लेके आई थी और मैं जींस टॉप लेके आई थी, क्योंकि उमेश कह रहा था ज़्यादा कपड़े रखे, एक पड़ के जाके दूंगा, और पहली बार मैंने कपड़े नहीं रखे, पता नहीं क्यों बेवकूफ़ी की, मुझे लगा कि हम जाएंगे नहीं सुबह, हम सीधा घर जाएंगे, मैंने उसी हिसाब से कपड़े रखे थे, बट कोई नहीं, फिर मैंने मॉर्निंग में यही डाल लिया, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, मुझे जाना था प्रेम मंदिर, तो हालांकि मैं घूम चुकी हूँ, रवीना नहीं घूमी थी तो रवीना के लिए मैंने कहा चलो चलते, बाकी मिलते हैं वहाँ जाने के बाद, फिर मंदिर का दिखाती हूँ। बाय बाय, खा लो पहले तुम। मैं प्रेम मंदिर के लिए आ रही थी, ठीक है, तो इस समय ये बैठा हुआ था, तो क्या था पहले मैं बता रही थी, प्रेम मंदिर बंद हो चुका है, ये देख बंद हो गया, तो मैं आ रही थी रिक्शे में, तो मुझसे कह रहा है ऐसा ना जाओ प्रेम मंदिर तुम्हें ना बंद मिलेगा, जाओ ऐसे बोला, इस तरह इसने बोला प्रेम मंदिर बंद मिलेगा, और जैसे ही मैं प्रेम मंदिर में पहुंची प्रेम मंदिर बंद हो चुका था। अब मुझे आ रहा है गुस्सा, तुम दो मिनट लेट हुई हो, अपने आप बंद हुआ है। तो अगर कभी इन फ्यूचर आप इसको मिल जाते हो तो इसके मुझे कोई आप इसे लड़ना नहीं, कोई ऐसी चीजें करना नहीं, जब तक कुछ काम के लिए जा रहे हो, गलती से मुँह से वो वर्ड निकल गया तो आप ना पछताओगे। तो गाइस मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि प्रेम मंदिर बंद हो चुका है, मैं समझ नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊं, और फिलहाल अब घर जाएंगे क्योंकि कोई ऑप्शन बचा नहीं, लड़के ने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं, कुछ
कुछ नहीं हो सकता है, तो घर ही जाना पड़ेगा। बाकी चलते हैं अब घर के लिए, और यहीं पर देख लो प्रेम मुझे देखने दीदी कितनी लगी है बहुत ज़्यादा। बस यहीं पे ये ब्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ, बाय गाइस।